इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक विधान समिति के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उदयपुर शहर विधानसभा की प्रभारी कांता शर्मा, जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ सहित शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया गया। लेकिन बैठक में उदयपुर शहर से दावेदारी करने वाले कई लोग गायब दिखे। वहीं जब शहर विधानसभा प्रभारी कांता शर्मा ने अपना भाषण शुरू किया, उस दौरान कांग्रेस के सहवृत्त पार्षद और कुछ कार्यकर्ता विज्ञान समिति परिसर में लगे नाश्ते के काउंटर पर जाकर चाय पकौड़ी के चटकारे लेने लगे, जबकि पदाधिकारी उन्हें अंदर लेने जाने की मनुहार करने लगे। आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर शहर विधानसभा प्रभारी ने कहा कि इस बार उदयपुर शहर से कांग्रेस की जीत तय है, इसके लिए कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और बूथ लेवल पर कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ भी उदयपुर से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे और उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। आज जो ये बैठक हुई है शहर जिला कांग्रेस कमेटी की, जिसमें हमारे सारे मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष थे और आगामी चुनावी रणनीति की तैयारियों के लिए। देखिए, यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सरकार रिपीट हो रही है और जो उदयपुर विधानसभा है, इस बार यहाँ से भी जो जन जन का वक्तव्य मैं सुन रही हूँ, सारा कांग्रेस जन भाजपा की विदाई के लिए तैयार है और उदयपुर सीट हम जीतेंगे। देखिए, पार्टी आलाकमान में बैठकें चल रही हैं, सब निर्णय लिए जाएंगे और बहुत जल्दी सब चीज़ों पे फैसला लिया जाएगा। हम यहाँ पे अभी जो ऑब्जर्वर्स का काम है, निरीक्षक का काम है, आम जन से मिलना, बाकी जो आवेदक हैं, आवेदक क्या कर रहे हैं उनका काम है कि वो अपना काम कर रहे हैं और हमें जो यहाँ पर भेजा गया है हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, अध्यक्ष जी अभी 3 महीनों पहले इनकी नियुक्ति हुई है और मैंने जो 3 दिन के अंदर अध्यक्ष जी का कार्य देखा है, कार्यकर्ता देखिए 3 घंटा से कार्यकर्ता अगर बैठा हुआ है पूरी मीटिंग में, सभी कार्यकर्ता, शायद आप लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी कि पूरी बैठक के अंदर सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से बैठे हुए थे, सभी के वक्तव्य सुने, सभी पार्षद बोले हैं, सभी मंडल के भी कई लोग बोले हैं। नहीं, नाश्ता नहीं कर रहे थे, नाश्ता करते अभी गए हैं आफ्टर मीटिंग। हमारी रणनीति ये है कि हम कांग्रेस का वोटर जो शायद हमसे नाराज भी हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, परिवार है वहाँ, नाराज़गी भी होती है, सब कुछ है, हम उनको मनाएंगे और कांग्रेस जिसको भी यहाँ पे लाए उनके लिए काम करना है सबको। देखिए, इस मामले में पार्टी आलाकमान फैसला ले रहे हैं। आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रथम बैठक पदाधिकारीगण जितने चुने गए थे उनकी बैठक रखी गई। इसमें मुख्य एजेंडा था कि आने वाले समय का जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को लेकर बैठक भी करी गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्षद और सभी कार्यकर्ता भी आए और सबका एक ही उद्देश्य, उदयपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस का इस बार जीतना, जिसमें निश्चित रूप से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की परिवेक्षा का आदरणीय कांता जी भी आए हुए हैं और संगठन में हर मंडल पर बैठ के आयोजित हो रही है, ब्लॉक में आयोजित हो रही है, आज जिला की भी हो रही है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे।